नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम कर रहे हैं एपिसोड 212 और तारीख है 19 फरवरी 2019। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो है ये रोज सुबह 4 बजे हम आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। ये वेबसाइट्स हैं ssccjalpinnacle.com और baljeetdhaka.com। शुरुआत करती हूँ मोटिवेशनल कोट से। बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल कोट भेजा एक स्टूडेंट ने। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो ये उन्होंने हमें कोट भेजा है और अब मैं आपको ले आई हूं कल की क्विज पर। हाल ही में भारत सरकार ने कितने देशों के लिए ई टूरिस्ट वीजा लागू किया है? उत्तर है हमारा 166। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी बांध आधुनिकरण परियोजना जिसका हाल ही में पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया है, कौन सी नदी पर है? उत्तर है धासन नदी। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और आंसर है इसका, ऐसा किया है हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हमारा बी है। जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा है उन्होंने संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। और हिमाचल प्रदेश की जो पहली आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत जाने माने संस्कृत के विद्वान थे दिवाकर दत्त शर्मा, उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम रखा था हिमाचल। तो चलिए अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है हिमाचल। अगर आप इस मैप में देखें तो ये जो छोटा सा राज्य है, बेहद खूबसूरत राज्य, बहुत से टूरिस्ट यहाँ जाते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड वगैरह के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। दो कैपिटल्स हैं इनकी, दो राजधानियां शिमला, और जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। गवर्नर यहां पर आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4। और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहां आपसे पूछा गया है किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निर्देशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है हमारा फैजल इस्माइल। फैजल इस्माइल को नियुक्त किया गया है। उत्तर यहां पर होगा फैजल इस्माइल, आंसर हमारा डी है। ये भारतीय मूल के हैं, ओके, और इनको दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये यूसीटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं और उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में एक राजदूत और व्यापार और उद्योग मंत्री के एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है इस फील्ड में। ये बहुत ही जाने माने हैं। अब आपको मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ फैजल इस्माइल की। ये देखिए, ये है फैजल इस्माइल, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड वॉर्स फैजल इस्माइल यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन। अब यहां पर बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की, तो मैं आपको रिवीजन कराना चाहूंगी कि इस साल 26 जनवरी का जो हमारा फंक्शन हुआ था, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इस बार जो 26 जनवरी का हमारा रिपब्लिक डे हुआ था 2019 में, उसमें सिरिल रामफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे चीफ गेस्ट थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किस नगर ने स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 में प्रथम पुरस्कार जीता है? और इसके लिए हमारा उत्तर क्या है? उत्तर जो है हमारा रायगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर जो है वो बी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है। अंबिकापुर जो यहां पर लिखा हुआ है ना, ये सेकंड पोजीशन पर था, और थर्ड पोजीशन पर कौन था? तीसरा स्थान जो है वो मिला कुंभकोणम के नगर निगम को, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। ये हमारा प्रश्न 3 था, इससे संबंधित आप तस्वीर देखिए। ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है स्वच्छता एक्सेलेंस
अवार्ड 2019। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार पर प्रतिबंधित पंजाबी कविता खूनी वैसाखी के लेखक कौन है, और अब ये जो कविता है अंग्रेजी में प्रकाशित होने जा रही है। आपको पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ है वो साल 1919 में हुआ था, अब 2019 में उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि ये जो कविता थी इसको लिखने वाले थे नानक सिंह, और उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इस कविता को बैन कर दिया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाशित पंजाबी कविता खूनी बैसाखी जो 1919 में पंजाबी लेखक नानक सिंह द्वारा लिखी गई थी, इसको अब अगले महीने हार्पर कॉलिंस द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाएगा। यह कविता 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बारे में है, और जो उसको लिखने वाले हैं नानक सिंह जी, उनको हम अंग्रेज जो पंजाबी साहित्य वगैरह है, पंजाबी लिटरेचर है, उनको हम फादर ऑफ पंजाबी नॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं। इस कविता पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बाद काफी सालों बाद इस कविता के बारे में पता चला और नवदीप सूरी जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और अब जल्द ये जो है ये छपने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर हमारा नानक सिंह है। साथ ही साथ आपको जलियांवाला हत्याकांड के बारे में भी आप थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देती हूं कि 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें कर्नल डायर जो है उन्होंने ब्रिटिश कमान रखी थी और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां वगैरह चलवाई थी जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो मारे गए थे। अब नानक सिंह जी की आप तस्वीर देख लीजिए, ये हैं नानक सिंह। हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया, यह है हमारा प्रश्न 5, और प्रश्न 5 के लिए उत्तर जो है हमारा वो है पोखरण। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी है। भारतीय वायुसेना ने पोखरण फायरिंग रेंज पर ये जो है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2019 ये किया। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हमारा सी है। ये देखिए यहां पर क्लियरली वायु शक्ति 2019। अगला प्रश्न, कौन सी टीम भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास में अपने ईरानी कप खिताबों की रक्षा करने वाली तीसरी टीम बन गई है, तो उत्तर होगा यहां पर विदर्भ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा सी है, विदर्भ इज द राइट आंसर। ओके, अब विदर्भ जो है वो शेष भारत को उन्होंने हराया है, ये नागपुर का जो जामथा स्टेडियम है वहां पर ये हुआ, और ये तीसरी टीम बन गई है जिन्होंने की अपनी टाइटल जो है उसको डिफेंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हमारा सी है। ये देखिए यहां पर आप विदर्भ की टीम देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक शिक्षण ऐप इन्फीटीक्यू का अनावरण किया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसके लिए आंसर क्या होगा, आंसर जो है इसके लिए वो है इंफोसिस। इंफोसिस इसका उत्तर है। इंफोसिस जो है आपने इसके बारे में काफी सुना होगा, ये देश में जानी मानी काफी इंपॉर्टेंट आईटी फर्म है। इसने इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए उनको तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से कौशल प्रदान करने के लिए ये ऐप बनाया है जिसका नाम है इन्फीटीक्यू। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हमारा सी होगा। अब आगे चलते हैं, मैं आपको ले आई हूं 8वें प्रश्न पर। भारत ने किस देश से आयातित माल पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200% कर दिया है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर यहां पर पाकिस्तान होगा। भारत ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आयात किए गए सभी सामानों पर जो सीमा शुल्क है उसको बढ़ा दिया है, जिसके कि अब वो 200% हो गया है। ओके, 24 फरवरी को जो पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए उसके बाद ये किया गया है, और मैंने अपने हाल ही के वीडियोस में भी आपके साथ कवर किया था कि हमने पाकिस्तान से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का उनको दर्जा दे रखा था वो भी वापस ले लिया। तो अब मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है पाकिस्तान। ये देखिए, ये है पाकिस्तान, ये जो कंट्री है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, हम इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, रेडक्लिफ लाइन कहलाता है वो बॉर्डर। तो पाकिस्तान की राजधानी
इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर यहाँ कराची, ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंग्रेजी और उर्दू हैं, गवर्नमेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, प्रेसिडेंट अरिफ अलवी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, करेंसी यहाँ पर पाकिस्तानी रूपी है। ये चीज़ें मैं काफ़ी बार करा चुकी हूँ, आज एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये विश्व का छठा मोस्ट पॉपुलेटेड, दुनिया का ये छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, और जो हम सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहन जोदड़ो वगैरह की बात करते हैं वो यहीं पर लोकेटेड थे। तो क्वेश्चन नंबर था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका उत्तर आपका पाकिस्तान है। आठवें प्रश्न पर आइए, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में बिहार की पहली मेट्रो रेल की नींव रखी है, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर हमारा पटना होगा, पटना इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर बी पटना, बिहार की राजधानी है पटना। पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण जो है, अब प्रधानमंत्री जी ने उसकी नींव रखी है, 13,300 करोड़ की ये योजना है और अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर हमारा बी है। ये देखिए ये नजर आ रहा है पटना मेट्रो। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस देश ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें तालिबान से संबंधों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी शिकायत दर्ज करवाई है, ये जो शिकायत दर्ज करवाई है अफगानिस्तान ने, आंसर यहां पर हमारा भी होगा। तो आज के 2 प्रश्नों में पाकिस्तान का उल्लेख हुआ, अफगानिस्तान ने तालिबान के साथ संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनके सामने बहुत ही कड़े लफ्जों में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और उनका यह कहना है कि इससे जो हमारा देश है उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता को और उन सब को खतरा है, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर हमारा बी है। मैं आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान तो दिखा ही चुकी हूं मैप में, आइए अब अफगानिस्तान भी देख लेते हैं, इसके साथ भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं। ये देखो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर आपको नजर आ रहा है, यहां पर अगर आप देखें तो हम बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, बहुत ही छोटा सा बॉर्डर, राजधानी इनकी काबुल और सबसे बड़ा शहर भी काबुल, यहां पर राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी, 2 भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेज दारी और पाश्तो और करेंसी यहां पर अफगानी है। ओके, साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ये जो देश है यहां पर हामिद करजाई जो है वो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे और बुजकाशी BUZKASHI वो यहां का नेशनल स्पोर्ट्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 टीमें होती हैं जो घोड़ों पर सवार होती हैं और एक वो बकरे को खींचने की कोशिश करती हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, जिसको मिल जाए वो विजयी होता है। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण कीवर्ड्स पर जिनके से सारा वीडियो रिवाइज किया जाएगा। संस्कृत जो है ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रस्ताव है और ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कहां की बनेगी, ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रस्ताव है संस्कृत को, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका का उल्लेख आया, साउथ अफ्रीका वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं जो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस के निदेशक बने, उनका नाम है फैजल इस्माइल। स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड्स 2019 में विजयी रहा रायगढ़। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान ने कड़े लफ्जों में शिकायत दर्ज की है पाकिस्तान के खिलाफ कि उनके संबंध तालिबान के साथ हैं। खूनी वैसाखी एक कविता है, इसको लिखने वाले हैं नानक सिंह, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है ये हुई पोखरण में। ईरानी कप टाइटल को डिफेंड करने वाला बना विदर्भ। इन्फीटीक्यू जो एक ऐप है इंफोसिस ने लॉन्च किया। कस्टम ड्यूटी को 200% कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए और बिहार का पहला मेट्रो रेल चलेगा पटना में। तो ये थी जानकारी समरी कीवर्ड्स के माध्यम से। अब आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। उससे पहले आपसे बताना चाहूंगी कि वीडियो रोज अपलोड होगा, सुबह 4 बजे हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसको अपलोड कर दिया जाए और 99.99% मामलों में ये इतने बजे अपलोड हो भी जाता है। कभी कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाए तो लेट से अपलोड होगा लेकिन होगा जरूर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में नीचे आप अपने आंसर्स जरूर दें, ठीक है। विच टीम बिकेम द थर्ड टीम, कौन सी टीम भारतीय घरेलू
क्रिकेट इतिहास में अपने ईरानी कप खिताबों की रक्षा करने वाली तीसरी टीम बन गई है और हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति 2019 कहां पर आयोजित हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह भी भेजें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।